वेलकम बैक दोस्तों इसे एक नई वीडियो के अंदर। तो बेबी डोज और शिबा की अपडेट्स लेके आपके सामने हाजिर हैं। क्या ट्विटर पे जानकारी निकल के आई है, तो सीधा चलेंगे दोस्तों ट्विटर पे, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके फटाफट उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बेबी डोज कॉइन की। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा प्रपोजल था 5 क्यू ट्रिलियन बर्न करने की जो बात कही जा रही थी, कहीं ना कहीं जो बेबी डोज के अंदर हैकिंग हुई थी, उसके बाद एक यहाँ पे ट्वीट डाला गया था। पहले इन्होंने कहा था कि वोटिंग कीजिए, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि 5 क्यू ट्रिलियन बर्न होने चाहिए, लेकिन जब हैकिंग होने के बाद इन्होंने यहाँ पे एक सजेशन के अंदर ट्वीट किया था कि 97 हैज वोटेड पोस्टपोन द 5 क्यू ट्रिलियन बर्न। तो इन्होंने लोगों से सपोर्ट की बात की थी, इनका बोलना था कि इतनी बड़ी हैकिंग के बावजूद ये 5 क्यू ट्रिलियन अगर बर्न करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी लिक्विडिटी है जो, वो कहीं ना कहीं उनका जो बैलेंस है वो खराब होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये संभलने की कोशिश करने के कारण इन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही है। तो काफ़ी लोगों ने सपोर्ट के अंदर इनके यहाँ पे ट्वीट किए थे। तो लगभग 97% लोगों ने यह कहा था कि आप पोस्टपोन इसको कर दीजिए अगर ऐसा कुछ हैपन होता हुआ नजर आ रहा है लिक्विडिटी को लेके। लेकिन 14 हॉर्स पहले इन्होंने फिर से यहाँ पे ट्वीट डाल दिया कि बेबी डोज आर्मी वी नीड यू वोट इफ यू वांट द 5 क्यू ट्रिलियन बर्न प्रपोजल टू प्रोसेस। तो इन्होंने कहा कि हम प्रोसेस करेंगे लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए उनके लिए। इन्होंने दोबारा से यहाँ पे वोटिंग सिस्टम डाला है कि अगर दोबारा आप चाहते हो कि ये प्रोसेस के अंदर जल्द लिया जाए। तो यहाँ पे लगभग 140 लोगों ने ही वोट की, और इनका कहना है कि 2 मिलियन होल्डर होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ वोटिंग जो है वो 140 लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने वोटिंग का जो है वो 5 दिन और बढ़ा दिए हैं। वोटेड वी हैव 5 मोर डेज टू वोट। तो यहाँ पे जाके जल्दी से जल्दी दोस्तों आप वोटिंग कीजिए ताकि 5 क्यू ट्रिलियन और बर्न हो सकें बेबी डोज कॉइन के अंदर, क्योंकि जो हैकिंग हुई थी उसके उभरने की कोशिश बेबी डोज कॉइन यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि बेबी डोज मंथली जो बर्निंग करता है काफ़ी बड़े लेवल की करता है, लेकिन काफ़ी लोगों को होल्डर्स 2 मिलियन से भी ज़्यादा होने वाले हैं इनके, लेकिन प्राइज के अंदर कुछ बड़ा गेन इसके अंदर भी देखने को अभी तक नहीं मिला है। तो आई होप है दोस्तों कि आप लोग वेट कीजिए, प्राइज भी बढ़ेगा और बर्निंग तो लगातार बेबी डोज कर ही रहा है। तो यहाँ पे जो 24 आवर्स के अंदर जो बेबी डोज कॉइन के द्वारा बर्निंग की गई है, लगभग कह सकते हो 1.9 ट्रिलियन कॉइन यहाँ पे बर्न कर दिए गए हैं। 2032 यहाँ पे जो डॉलर्स के अंदर 2032 डॉलर्स की जो बर्निंग यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर की गई है, और टोटल जो बर्निंग हो चुकी है 49.739% टोटल सप्लाई का इन्होंने बर्न कर दिया है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं दोस्तों, क्योंकि हैकिंग, इतनी बड़ी हैकिंग होना और उसके बाद भी किसी कॉइन का उभरना, ये एक बहुत ही एक अच्छी बात कही जा सकती है, एक अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। जिस दिन हैकिंग हुई थी, मेरा खुद का ये मानना था कि कम से कम 30-40-50% तक इसका गिर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम गिरावट देखने को मिली थी और वो भी रिकवर जल्द हो चुका था। तो ये है दोस्तों बेबी डोज की अपडेट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।